नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी पेरेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो कपिल सिब्बल साहब जो केस लड़ रहे हैं उसकी हियरिंग क्या है, क्या वो केस अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है या फिर उसको क्लोज कर दिया गया है। उसकी कोई भी तरीके की अपडेट अभी तक नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अब नेक्स्ट हियरिंग कब है या फिर आपके कोर्ट केस के बारे में क्या अपडेट चल रही है। दोस्तों, अभी डॉक्टर आशीष महिंद्रा सर हैं जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी एक रिपोर्टेड पर्सन है, और उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है और इसके अलावा हमें और कहीं से भी पता चला है, काफ़ी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट में जो निष्कर्ष या कैंकुलेशन जो निकल के आया वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस मंथ की अभी जो ये 23 जुलाई है, इसके दिन आपका जो ये केस था इसको लिस्टेड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और 23 तारीख को देखते हैं क्या होने वाला है। आपका केस पक्का लिस्टेड कर दिया है और आप जाके ट्विटर पर भी देख सकते हो, मैंने वहाँ जाके भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ दोस्तों, अगर कपिल सिब्बल जी ने अगर अपने हाथ में ये केस लिया है तो कुछ ना कुछ अच्छी ही खबर निकल के आएगी, क्योंकि वो इतना बड़ा चेहरा बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है इस फील्ड में कि उनके नाम के पीछे कहीं ना कहीं केस जीतना एक आम बात जैसा लग गया है। तो आप उम्मीद रखिए, होप रखिए कि अगर उन्होंने केस लिया है तो कुछ ना कुछ वो इंडियन स्टूडेंट और आउट ऑफ इंडिया से MBBS करने वाले स्टूडेंट के बीच में जो ये भेदभाव चल रहा है, चाहे वो नंबर को लेके हो, चाहे वो इंटर्नशिप है, जो भी XYZ पोस्टिंग के लिए, उसमें कुछ ना कुछ तो इस बार फेरबदल होना तय है, तभी हमें इंसाफ मिल पाएगा और हम जैसे स्टूडेंट जो अभी MBBS कर रहे हैं आने वाले समय में उनको भी काफ़ी अच्छा एक न्याय मिले या फिर एक सिस्टम तैयार हो जिससे कि उनको काफ़ी राहत मिल सके। तो दोस्तों, 23 जुलाई को आपकी जो ये केस है इसको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये अपडेट थी अभी तक की, जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, अभी के लिए विदा चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।